नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आंवले की चार बेहतरीन रेसिपीज लेके आई हूँ जो आप इंस्टेंट बना सकते हैं और जिसे साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। आंवले के गुणों से हम सभी परिचित होते हैं, विटामिन सी से भरपूर होता है, बालों के लिए हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पर जो है हम चारों रेसिपीज जो हैं फटाफट से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली रेसिपी इंस्टेंट आंवले का अचार, यानी आंवले की सब्जी भी बोल सकते हैं इसे, इसे भी आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरी रेसिपी जो है वो आंवले का मुरब्बा है, यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारा बहुत ही स्वादिष्ट आंवले का मुरब्बा जो है बन के तैयार हुआ है। साथ में तीसरी रेसिपी जो है आंवले की कैंडी की है और ये मुखवास की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे भी साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। और जो चौथी रेसिपी है वो भी मुखवास की ही है, यानी बीटरूट और आंवले का मुखवास की रेसिपी है। तो ये चारों रेसिपीज़ बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट है और घर के इंग्रेडिएंट से ही बन के तैयार हो जाएगी। तो आंवले की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना का चाहूँगी कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है या इन चारों वीडियो में से कोई भी वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो ऐसी रेसिपी आपको सबसे अच्छी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो शुरू करते हैं आंवले की मुरब्बे की। यहाँ पर सबसे पहले जो है आंवले की मुरब्बे की रेसिपी मैं शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर 250 से 300 ग्राम जितने आपको आंवले लेने हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक बाउल के अंदर पानी डाल दिया है और सारे जो आंवले हैं वो आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ के हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, और बिना दाग वाले आंवले लिए हैं। इनको हमें पानी के अंदर सोख करके रख देना है ताकि कोई भी गंदगी हो तो वो निकल जाए। उसके बाद हम पानी से निकाल देंगे और सारे आंवलों को जो है सूती कपड़े से पोंछ देंगे और उसके बाद इनको प्रिक कर देंगे। प्रिक करने के लिए चाहे तो आप टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कांटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फॉर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे आंवलों को हमने अच्छे से छेद दिया है, अब हम इनको एक बाउल के अंदर निकाल देंगे और 1/4 चम्मच हम फिटकरी का पाउडर डालेंगे और पानी से भर देंगे आंवलों को। और इसके बाद जो है बाउल को एक तरफ ढक्कन लगा कर रख देंगे, आधे एक घंटे के लिए हम इसको एक तरफ रख देना है। और जब सारे आंवले का जो कड़वापन है वो फिटकरी के पानी के अंदर निकल जाएगा तो हम इसको छलनी के अंदर डाल देंगे और धो देंगे साफ पानी से। अब जो हम मुरब्बा बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो जितने आंवले लिए थे उतनी हमें शक्कर लेनी है। आप गुड़ के अंदर भी बना सकते हैं या फिर शक्कर और गुड़ मिक्स करके भी बना सकते हैं। हमने 2 कप जितना पानी डाला है इसके अंदर, और पानी को शक्कर के साथ में अच्छे से बॉईल कर देंगे। शक्कर के अंदर जब पानी अच्छे से घुल जाएगा तब हम इसके अंदर इलायची और दालचीनी का पाउडर डालेंगे। साथ में जो है सेंधा नमक डाला है, यानी रॉक सॉल्ट डाला है, और इसके अंदर जो कुछ मसाले डालेंगे ताकि आंवले का मुरब्बा हमारा स्वादिष्ट बने। तो यहाँ पर जो है सौंठ का पाउडर डाला है मैंने, जिसे जिंजर पाउडर भी कहते हैं। अब जो आंवले हमने छान के रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ में इसके अंदर जो है काली मिर्ची का पाउडर डाला है। सामग्री जो है कितनी क्वांटिटी में डाली है वो मैंने वीडियो के अंदर लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं। और मुझे आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो है हमें आंवलों को बॉयल करना है शक्कर के पानी के साथ में, और शक्कर का पानी जो है हमारा जमे नहीं, बाद में जब आंवले हमारे एकदम मुरब्बा बन के तैयार हो जाए तो शक्कर का पानी जो है उसके ऊपर कोट नहीं हो जाए, यानी शक्कर उसके ऊपर कोट नहीं हो जाए। इसके लिए हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे और यहाँ पर जो है आंवलों को हमें अच्छे से बॉईल करना है। तो हम पहले लो मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से बॉईल करेंगे और इनको जब तक बॉईल करना है जब तक ये शक्कर का पानी हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता और आंवले जो है हमारे कलर चेंज नहीं कर देते, यानी हमने जो है आंवले डाले थे एकदम, और ये जैसे जैसे ये बॉईल होते जाएंगे हमारे जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले हुए हैं उसके साथ में ये अच्छा सा इसका कलर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे आंवले जो है नरम भी हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तब हम जो है बंद कर देंगे गैस को, और आंवलों को ठंडा होने के बाद आप किसी भी जार के अंदर इसको रस के साथ में जो हमने रस बनाया था शक्कर का वो इसके साथ में ही डालना है और इसको स्टोर कर सकते हैं। और जो ये रेसिपी आंवले की मुरब्बे की तैयार हो गई, इसको साल भर स्टोर कर सकते हैं और डेली आप एक आंवले का मुरब्बा खाइए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब जो दूसरी रेसिपी हम बनाने वाले हैं उसे भी आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं, इसे मुखवास की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटपटी आंवला कैंडी की रेसिपी है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है आंवला कैंडी। तो यहाँ पर जो है हम आंवला कैंडी बनाने वाले हैं, और आंवला कैंडी के लिए यहाँ पर 400 ग्राम मैंने आंवले लिए हैं, मीडियम साइज़ के आंवले हैं, ना तो ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन बिना दाग वाले आंवले लेने हैं। इनको धोकर सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है और इन आंवलों को जो है अब हम स्टीम करेंगे, यानी जब हम इनको उबालते हैं कुकर के अंदर या फिर पानी के अंदर तब इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है काफ़ी कम हो जाती है। तो हमें न्यूट्रिशन वैल्यू वैसे ही बनाए रखने के लिए स्टीमर में पानी डालकर जाली रखकर इसके ऊपर जो है हम आंवले रख देंगे और ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे, या फिर जब तक नरम नहीं हो जाते तब तक हमें इन्हें
पकाना है। तो बीच में मैंने चेक किया था ये नरम नहीं होते, तो इसको वापस मैंने 5 से 10 मिनट और पकाया है मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर जो है आंवले हमारे नरम हो गए, तो गैस को मैंने बंद कर दिया है। सारे आंवलों को जो हम एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे और ठंडे होने के बाद हम इसकी इस तरह से फाड़े करने लगेंगे। तो फाड़े जो है अच्छे से आसानी से हो जाएंगे क्योंकि आंवले हमारे नरम हो चुके हैं। चाकू की मदद से भी आप सारी फाड़े कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आंवले जो है निकाल दिए हैं, अलग कर दिए हैं, और उसके बाद जो हम एक बाउल के अंदर सारे आंवले डाल देंगे। अब जितने आंवले लिए थे उतनी ही शक्कर लेनी है, चाहे तो आप गुड़ में भी इस मुरब्बे को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने शक्कर डाली है, इसको शक्कर से अच्छे से कवर हो जाए उतनी शक्कर डालनी है, और चाहे तो शक्कर की मात्रा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें मसाले डालेंगे, तो चाट मसाला डाला है, काला नमक डाला है, और भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है इसके अंदर, क्योंकि ये सब जो है मुरब्बे में बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। साथ में इसमें मैंने जो है सादा नमक भी डाला है। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से, और शक्कर जो है बाद में घुलने लगेगी इसके अंदर। तो यहाँ पर थोड़ी सी शक्कर मुझे और कम लगी थी, तो मैंने इसके अंदर डाली है। ढक्कन लगाकर जो है हम इसको पूरी रात के लिए छोड़ देंगे, तो शक्कर हमारी घुल जाएगी आंवले के साथ में, क्योंकि आंवले के अंदर एक जो है थोड़ी सी गर्माहट थी, और उसके बाद जो है उस शक्कर के साथ में अच्छे से घुल जाएगा और शक्कर का पानी बन जाएगा। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से शक्कर नहीं घुली, इसलिए मैंने 2 रात तक इसको छोड़ा ऐसे ही, और उसके बाद जो हमारी शक्कर अच्छे से पानी के शक्कर जो अच्छे से आंवले के अंदर घुल गई है, और आंवले ने अच्छे से शक्कर का पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब चाहे तो ऐसे चम्मच की मदद से जिसमें पानी जो है नीचे रह जाएगा और आंवले हमारे ऊपर रह जाएंगे, या फिर फोर्क की मदद से जो है हम सारे आंवलों को एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे और शक्कर के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं अब जूस बनाने के लिए आंवले का। यहाँ पर जो है हम इनको एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे और ओवरनाइट रख देंगे, और अगले दिन जो है मैं इसको धूप में रखूंगी। एक दिन हम उसको धूप देनी है अच्छे से, और कपड़ा लगाकर धूप दीजिएगा ताकि जो है हमारी कैंडी के ऊपर कोई डस्ट नहीं लगे। तो यहाँ पर आंवला कैंडी हमारी नरम सी बन के तैयार हो गई है। इसे शक्कर के पाउडर के साथ में अच्छे से कोट कर देना है, और छलनी के अंदर जो है या फिर ऐसे बर्तन में डालना है जिसमें शक्कर का पाउडर एक्स्ट्रा जो भी होगा वो निकल जाएगा। तो हमारी जो है आंवला कैंडी हम शक्कर के पाउडर से इसलिए कोट करेंगे ताकि जो है ये आपस में चिपके नहीं, क्योंकि नरम होती है। और ये हमारी आंवला कैंडी बन के तैयार हो गई है। अब इसको आप एयर टाइट कंटेनर में साल भर स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं। तो ये हमारी रेसिपी जो है आंवला कैंडी की बन के तैयार हो गई है। अब जो तीसरी रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो आंवला के इंस्टेंट अचार की, या फिर इसे आंवले की सब्जी भी बोल सकते हैं। बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है, और जो है ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस सब्जी को जो है आप हफ्ते भर में आराम से खा सकते हैं। तो इसको अगर लंबे समय तक स्टोर करना चाहें तो वो मैं कैसे करेंगे वो आगे वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है आंवले का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए यहाँ पर जो है 4 चम्मच मेथी दाना लिया था। इसको मैंने पानी से धोकर सोख करने के लिए रख दिया था ओवरनाइट, या फिर आप 2 घंटे के लिए गर्म पानी में सोख करके रख सकते हैं, और जब अच्छे से फूल जाएंगे तब इसका पानी निकाल देंगे। यहाँ पर जो है 250 से 300 ग्राम आंवले लिए हैं मैंने, और आंवले जो देख सकते हैं मीडियम साइज़ के हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं। तो अपनी पसंद के हिसाब से आंवले ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बिना दाग वाले आंवले लेने हैं आपको। इनको साफ़ पानी से धोकर अच्छे से सूती कपड़े से पोंछ देना है। इसके बाद जो है हम इसको स्टीमर में डाल देंगे। तो स्टीमर में मैंने नीचे पानी डाल दिया है और जाली के ऊपर जो है सारे आंवले रख दिए हैं। ढक्कन लगाकर इसको नरम होने तक पकाना है, यानी 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें पकाना है, या फिर जब तक नरम नहीं हो जाते तब तक हमें इन्हें पकाना है। तो बीच में आप चेक कर सकते हैं आंवले हमारे जो है पके कि नहीं। और स्टीमर में पकाने का कारण यह है कि इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ख़त्म नहीं हो, इसके लिए हम इसको स्टीमर में पकाते हैं। अगर आप इसको बॉयल करेंगे तो फिर जो पानी के अंदर जो है सारी इसकी आंवले की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पानी के अंदर ही रह जाती है। तो यहाँ पर जो है हमने आंवले को जो है अच्छे से स्टीम कर दिया है। उसके बाद जब हमारे आंवले नरम हो जाएंगे तब हम इनको एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे। तो ठंडे होने के बाद हम इसके इस तरीके से फाड़े करेंगे, तो यह आसानी से अलग हो सकते हैं। हाथों से भी कर सकते हैं और चाकू की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सारे आंवले की हमने फाड़े कर दी है। अब जो है हम इसके अंदर जो मिर्ची डालेंगे, 1 से 2 मिर्ची हमने काट के डाली है। तो अब तीखापन आपको जैसा पसंद है वैसे, और भी मिर्ची डालना चाहें तो वैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 1 कप सरसों का तेल लिया है और इसको कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तो 1 कप सरसों के तेल के अंदर जो है हम अचार बनाने वाले हैं। ये इंस्टेंट सब्जी है इसलिए इसके अंदर जो है सब्जियों के अंदर जो मसाले पड़ते हैं वही डालेंगे। तो यहाँ पर जीरा डाला है मैंने, साथ में जो है हींग डाली है थोड़ी सी, और कलौंजी डाली है, यानी जिसको काला जीरा भी बोलते हैं वो डाला है मैंने इसके अंदर। और ये जब हम अच्छे से गर्म हो जाएंगे सरसों के तेल में, तो यहाँ पर 4 चम्मच जितना मैंने अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाला है। गर्म तेल के अंदर अदरक और मिर्ची के पेस्ट को अच्छे से भून देंगे। और यहाँ पर जो है सरसों के तेल में बनाने से क्या होता है कि इसका स्वाद जो है आंवले का बहुत ही अच्छा आता है अचार का या फिर सब्जी का। यहाँ पर जो है मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, और हल्दी का पाउडर डाला है।
साथ में कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाला है और जो है सौंफ का पाउडर डाला है इसके अंदर, और सौंफ का 4 चम्मच सौंफ को कूट कर इसके अंदर डालेंगे। साथ में जो आंवले डाल दिए हैं मैंने और इसके अंदर जो मेथी दाना वो डाल देंगे। अब मेरे पास जो है 3-4 चम्मच जितना रेडीमेड अचार वाला मसाला था वो डाला है मैंने इसके अंदर, 3-4 चम्मच जितना। अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहें तो इसके अंदर जो है 3-4 चम्मच जितने कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर और डाल सकते हैं। साथ में 1/4 कप जितना नींबू का रस या फिर विनेगर जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, या जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। तो ये हमारा आंवले का चटपटा सा सब्जी या फिर अचार जो है इंस्टेंट बन के तैयार हो गया है। अगर आप इसको लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसे कांच की सूखी बर्नी में या फिर मर्तबान में निकालिए और इसके बाद जो है इसको तेल से पूरा कवर हो जाए उतना गर्म तेल इसके अंदर करके, गर्म तेल को ठंडा करके इसके अंदर डालिए, तो ये फिर जो आपका है अचार साल भर आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब जो चौथी रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो आंवले के मुखवास की रेसिपी है, यानी बीटरूट और आंवले का जो है मुखवास बनाने वाले हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है बीटरूट और आंवले के मुखवास की। यहाँ पर जो है हमने 250 ग्राम आंवले लिए हैं, बिना दाग वाले आंवले लेने हैं, और आंवलों को जो है धोकर सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था और इसको हम अच्छे से घस देंगे। आप चाहें तो काट के भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो है मैंने घस दिया है। ये मुखवास जो है आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं, और यहाँ सारे आंवलों को जो हमें इस तरीके से घस देना है, और जो गुठलियाँ बचेंगी उसको हम बाद में डिस्कार्ड कर देंगे। और साथ में मीडियम साइज़ का बीटरूट लिया है मैंने। घसने के लिए जो ये घसने वाला जो होता है उसका इस्तेमाल किया है, और बड़ी साइज़ वाला जो है वो इस्तेमाल किया है मैंने। और अगर आपको छोटी साइज़ का मुखवास बनाना है तो छोटी साइज़ वाला जो है घसने वाला इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पर जो है हमने बीटरूट को भी अच्छे से घस दिया है छिलका निकाल कर। बीटरूट जो है सर्दियों में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और इसको खाने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, तो बच्चे ऐसे आसानी से नहीं खाते, तो इस तरीके से आप बच्चों को बीटरूट खिला सकते हैं। तो यहाँ पर आंवले और बीटरूट को हम एक साथ में एक बाउल में डाल देंगे। 4 चम्मच जो है कूटी हुई सौंफ डाली है मैंने, सौंफ को पहले मैंने रोस्ट कर दिया था और उसको कूट कर इसके अंदर डाला है। साथ में हम इसके अंदर काला नमक डालेंगे 1 चम्मच जितना, जीरे का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच जितना इसके अंदर। तो ये इन सब मसालों से ये मुखवास जो है काफ़ी चटपटा बन के तैयार होगा। अब जो है सादा नमक डाला है मैंने, तो यहाँ पर जो है नमक आप स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, और चाट मसाला हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा, या फिर जलजीरे का पाउडर जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। अब हम जो है 1 कप शक्कर ली है मैंने, लेकिन यहाँ पर शक्कर सारी एक साथ नहीं डाली है मैंने, थोड़ी थोड़ी करके डाली है, तो 1/2 कप जितनी शक्कर डाल दी है मैंने। और शक्कर डालने के बाद इस मुखवास को जो है एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है, और अगर आपको लगता है कि शक्कर की मात्रा कम है एक बार टेस्ट करके देखेगा तो इसके अंदर पीसी हुई शक्कर जो है वो थोड़ी सी और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 कप पीसी हुई शक्कर डाली है मैंने, और इस मुखवास को जो हम एक प्लेट के अंदर फैला देंगे। आप चाहें तो कपड़े पर फैला सकते हैं, और इसको ओवरनाइट रखेंगे पंखे के नीचे, और इसके बाद जो है हमें इसको 2-3 दिन तक ऐसे ही सूखने देना है। तो पहले हम पंखे के नीचे इसको एक बार सूखने देंगे पूरी रात के लिए, और फिर अगले दिन जो है कपड़े से ढककर इसको धूप में देंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसको धूप में नहीं देंगे। और कपड़े से ढककर देने से क्या होगा कि एक तो इसके ऊपर गंदगी नहीं लगेगी, और दूसरा जो है इसका कलर उड़ जाता है धूप से। तो यहाँ पर जो इसका अच्छा कलर बना रहे इसके लिए हम जो है कपड़े से ढककर इसको धूप में देंगे। तो 2-3 दिन में जो है जब तक हमारा मुखवास सूख नहीं जाता, यानी ऐसा नहीं हो जाता जैसा वीडियो में मैंने दिखाया है वैसा नहीं हो जाता, जब तक सूख कर तैयार नहीं हो जाता तब तक हमें इसे धूप देना है। तो यहाँ पर जो है 2-3 दिन में हमारा मुखवास बन के तैयार हो गया है धूप के अंदर, और यहाँ पर इसको हम एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे। इस मुखवास को जो है खाने के बाद आप रोज़ रात को अगर 1 चम्मच खाएंगे तो अच्छे से आपके बालों में भी ग्रोथ होगी, और साथ में जो है इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर जो है डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बनाइए इस तरीके से ये चारों रेसिपी, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपीज़ आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।